हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में ढेर सारे स्वागत करती हूं फ्रेंड। आशा करती हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसे कि देख सकते हो फ्रेंड कि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और फर्स्ट टाइम ही मैं वीडियो शूट कर रही हूं फ्रेंड, और वो भी एक ऐसी जगह में जहाँ पर देखिए कितना सुंदर लोकेशन है फ्रेंड। मैं यहाँ पर आई हूँ वीडियो ही शूट करने के लिए। तो ये वहाँ देख रहे हो मेरे हस्बैंड हैं जो, और एक वो देखिए वहाँ मेरी बेटी रानी है और बेटा भी है आरब, जो बदमाशी बहुत कर रहा है, ऊपर चला गया है। तो यहाँ का लोकेशन इतना सुंदर है ना फ्रेंड कि क्या मैं बताऊँ आप सबको। तो फ्रेंड थोड़ा सा मेरे बारे में मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी फ्रेंड। तो मेरा नाम सविता है, मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। तो उसके बाद मेरे दो बच्चे हैं, हस्बैंड के साथ रहती हूँ और छोटा फैमिली है, खुशहाल फैमिली है और बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में फ्रेंड। तो देखिए मेरा बेटा को वहाँ जा रहा है वो। तो एक चीज़ और है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो शायद आप सब ने कभी देखी नहीं होंगी या सुनी भी नहीं होंगी फ्रेंड। इंटरेस्टिंग है तो वीडियो में बने रहिए, मैं ज़रूर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड यही चीज़ मैं दिखाना चाह रही थी। तो ये हाथिया बाबा नाम से जाना जाता है यहाँ पर फ्रेंड। तो ये एक देवता है जो मैं जूम करके दिखा रही हूँ, वहाँ तक मैं बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाऊँगी क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है और ये बहुत दूर में है मेरे से अभी, ताकि इसी वजह से पहुँच नहीं पाऊँगी मैं। तो ये हाथिया बाबा नाम से जाना जाता है फ्रेंड। ये रियल में हाथी थे फ्रेंड, और जो कि ये पत्थर के बन चुके हैं। इसकी एक छोटी सी कहानी है फ्रेंड जो मैं अभी नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और किस जगह में ये है ये भी मैं बताऊँगी, और ये हाथी के रियल हाथी ये पत्थर के कैसे बने हैं तो मैं दिखाऊंगी। और यही नहीं, साथ में आदमी भी इंसान भी थे जो छोटे छोटे करके बने हुए, जो ये अभी ये गंगा नदी में जो नदी है वहाँ पर ये ढक गए हैं, जो अभी नहीं दिख पाएंगे वो। तो मैं इसकी कहानी मैं छोटा सा नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ज़रूर बताऊँगी, इसके बारे में ज़रूर आप लोग जानिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और खूबी है फ्रेंड कि यहाँ पर मन्नतें भी मांगे जाते हैं, जो 100% श्योर ये पूरा होगा फ्रेंड, क्योंकि मैं आजमा चुकी हूँ ये चीज़। और बाकी सब यहाँ आजमाते हैं फ्रेंड, यहाँ सब आते हैं, पूजा पाठ भी होता है, यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है फ्रेंड 14 जनवरी को, जो हमारे यहाँ झारखंड में मकर संक्रांति नाम से जाना जाता है। तो आप लोग एक बार आइए यहाँ पर, उसके बाद फिर दिखाऊंगी मैं यहाँ पर कि यहाँ का। तो उस दिन भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी फ्रेंड, 14 जनवरी के दिन भी आऊंगी। अभी आप लोग नीचे देखना चाहते हो तो प्लीज़ यहाँ पर नीचे में कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए फ्रेंड ये मेरे से बहुत काफ़ी दूर में है ये, जो मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, मतलब वरना मैं ज़रूर दिखाती आप सबको। तो ठीक है फ्रेंड, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में ये सारी डिटेल में मैं आप सबको बताऊंगी कैसे मन्नतें मांगे जाते हैं यहाँ पर। यहाँ का लोकेशन खास लोकेशन झारखंड में ही पड़ती है, और यहाँ के लोग हैं तो वो सबको जानते होंगे, बाहरी लोग बिल्कुल नहीं जानते होंगे फ्रेंड। और इंटरेस्टिंग कहानी है, ज़रूर आप लोग जाकर आइए और देखिएगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मुझे विश्वास दिलाइए कि मैं और नए वीडियो में मैं अच्छे वीडियो ब्लॉग में बना पाऊँगी फ्रेंड। तो प्लीज़ अभी वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द मैं मिलूँगी। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।